everyone welcome back to my channel my name is shobha in today's video i am going to review for the product which is from the brand wow and this is a very new launch product from the brand wow so for detailed video stay tuned and watch full video so if you are new to my channel please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos so yeah let's get started एंड इसके बारे में मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि कैसा है मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे को कैसा लगा एंड यस yes, ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है मैं इसको वन वीक आई थिंक सेवन एट डेज पहले ही परचेज की हूँ एंड अभी बहुत सारे हिमालयन रेंज में ना वाओ पे भी लॉन्चिंग हो रहा है मीनस आपको वाओ का जो ये हिमालयन रेंज है इसमें आपको शैम्पू आ गया है बॉडी लोशन आ गए एंड और भी काफी सारे प्रोडक्ट हैं तो वो काफी पहले लॉन्च हो चुका है एंड ये जो स्क्रब है ये बॉडी एंड फेस दोनों पे यूज कर सकते हो ऑप तो मीन्स फेस एंड बॉडी स्क्रब है बेसिकली अगर आप बोले तो इसको तो इसके बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसा है एंड उसके बाद लेटर मैं इसको आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके शो करूंगी एंड उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा तो चलिए एक बार प्रोडक्ट का क्लोज लुक लेते हैं एंड उसके बाद फर्दर इसके बारे में बात करते हैं तो ये देख सकते हैं प्रोडक्ट की आउटर पैकिंग ऐसे ये कार्डबोर्ड जैसे बॉक्स में आई है एंड पे हर चीज सारा जो डिटेल्स वगैरह है इस पे मेंशन है एंड चलिए अब इनर प्रोडक्ट को देखते हैं एंड इसकी इनर पैकिंग आप देख सकते हो ये ऐसे है ये टब जैसे जार में आई है एंड ये प्लास्टिक की जार है एंड इसके ऊपर भी हर चीज मेंशन किया हुआ है तो प्रोडक्ट को आपको ओपन करके शो करती हूँ कि प्रोडक्ट का कलर कैसा है इसका जो कलर है ये देख सकते हो आप लोग ये थोड़ा व्हाइटिश है एंड इसमें जो स्क्रब है ये ब्राउनिश एंड ब्लैक समथिंग में मिक्स है तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने ऑफिशियली वाओ की साइड से परचेज किया है आपको यह एमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा आप लोग वहां पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं एंड अगर प्रोडक्ट के प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है टू नाइनटी नाइन एंड इसकी सेल्फ लाइफ थ्री ईयर की दी गई है एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो हंड्रेड एम है एंड ये वाला जो मीन्स uh, स्क्रब है ना ये रोज इन्फ्यूज है जैसा कि आप लोग को इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये हिमालयन रोज इन्फ्यूज करके एंड उसके साथ साथ और भी चीजें इसमें इंक्लूड की हुए सो तो देट हमारे स्किन को एंड हमारे बॉडी को इसका और ज्यादा बेनिफिट मिल सके तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी जैसा कि ऑल वाव के प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री है जस्ट लाइक like ये भी है तो ये भी पैराबेन सल्फेट सिलिकन एंड सिंथेटिक कलर से फ्री है एंड ये बिल्कुल डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है एंड ये इन्फ्यूज है वॉलनट शेल पाउडर रोज वाटर बीटरूट एक्सट्रैक्ट एंड आलमंड ऑयल के साथ एंड ये वाला जो है इसको आपको कब यूज करना है जस्ट लाइक वीक में थ्री बार यूज कीजिए आप इसको अगर बहुत ज्यादा आपके डल पैचिज स्किन है तो और अगर किन्हीं की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ध्यान से दोबारा मैं बोलूंगी जिनकी भी स्किन अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको वीक में थ्री टाइम्स इसको नहीं यूज करना ओनली वन टाइम यूज करना है ओके बिकॉज आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो स्क्रब करने से क्या होगा कि वो लेयर जब आपके डेड वगैरह जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा मीन्स बोल सकते ना सेंसिटिव स्किन को हार्म होगा तो जिनकी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो या टीनेजर स्किन हो बिकॉज टीनेजर स्किन भी ग्रोइंग वाला स्किन होता है तो वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है तो वो भी वीक में एक बार यूज करें और अदर जिनकी जो भी अगर स्किन हो तो लोग वीक में टाइम्स यूज करें अपने स्किन के अकॉर्डिंग एंड अगर आपके स्किन पे हैंड्स पे बोलते ना कि डस्ट वगैरह भी भी हो तो ये उसको भी बिल्कुल अंदर से एक्सफोलिएट करेगा एंड आपके स्किन को थोड़ा सा बोलते ना यंग और रीजन वे जो आप बोल सकते हो वो भी आपको शो करेगा मीन्स थोड़ा सा जवा जवाब की स्किन दिखेगी तो बिल्कुल से इसको आप लोग यूज करिए ऐसे करके एंड ये जो स्क्रब है ये बिल्कुल सुटेबल फॉर जिनकी भी ड्राई पैची डल स्किन हो उनके लिए है एंड इसका रिजल्ट आप लोग को आपके स्किन के अकॉर्डिंग मिलेगा जैसा आपका स्किन होगा ना उस अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि अगर मेरा स्किन बहुत अच्छा है तो मन मेरे को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा धीरे धीरे करके आपको उसका रिजल्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा एंड ये फेस वॉश की सबसे असम चीज जो है इसको आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो एंड बॉडी पे भी यूज कर सकते हो अलग अलग आपको परचेस नहीं करना फेस के लिए अलग हैंड के लिए अलग बॉडी के लिए अलग तो आप लोग इसको दो मल्टी यूज कर सकते हो दोनों ही तरीके से मीन्स अगर आपको फेस पे करना है तो फेस पे हैंड पे करना है तो हैंड पे और मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा है जब हम ट्रेवलिंग करते ना तो क्या होता है कि अरे फेस के लिए अलग लो हैंड के लिए अलग लो बॉडी के लिए अलग लो तो वो सारी झंझटें नहीं करनी पड़ेगी ओनली आप वन पिक करें एंड आपके फेस एंड बॉडी सब पे एंड हमें स्क्रब तो करना चाहिए वीक में एक बार सो देट हमारी स्किन पे जो भी डेड सेल्स वगैरह हो डेड स्किन वगैरह हो तो वो सारे धीरे धीरे करके बोलते ना कि वो हटे एंड हमारा एक अच्छा ग्लोइंग सा लेयर भी स्किन का दिखे एंड जो हमारे स्किन पे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो रहे हो तो वो भी ना हो एंड धीरे धीरे स्क्रबिंग से वो क्लीन हो जाए हमारा पोर्स जो है बेसिकली हम स्क्रबिंग करते हैं अपने पोर्स को क्लीन करने के लिए एंड जो पैची लेयर हो जाता है स्किन पे उसको क्लियर करने के लिए एंड ये जो हमारा स्किन रेनुअल प्रोसेस है ना उसको नेचुरली 96.88 सिक्स परसेंट मीन्स आपको बोलते हैं ना इम्प्रूव कर देता है तो वो ज्यादा ही अच्छा नेचुरली आपके फेस पे आता है एंड इसमें जो वॉलट सेल पाउडर है वो बिल्कुल नेचुरली और बहुत ईजिली आपके फेस पे जो भी डेड लेयर होंगे उसको एक्सफोलिएट करेंगे एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज वाटर कितना हेल्पफुल होता है हमारे स्किन के लिए हो चाहे हेयर के लिए हो चाहे कोई भी हम लोग फेस पैक बना रहे हो उसके लिए उसमें एक कूलिंग एजेंट के साथ साथ एक टोनिंग एजेंट भी पाया जाता है एंड साथ साथ उसमें विटामिन ए सी एंड ई भी पाया जाता है एंड ये वाले फेस स्क्रब में बीटूथ एक्सट्रैक्ट भी इन्फ्यूज किया गया है जिसमें कि विटामिन सी आयरन एंड बहुत सारे मिनरल्स के साथ लोडेड है तो काफी ही ज्यादा मीन्स बोलते हैं ना शाइननेस और बोल सकते एक पिंकनेस भी प्रोवाइड करेगा आपको साथ साथ में वेन यू यूज रेगुलरली एक दिन के यूज में मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपको फर्क दिख जाएगा बिल्कुल से हाँ थोड़ा बहुत जरूर जरूर दिखेगा बिकॉज आपके वो डेड लेयर हटेंगे बट आप जब इसको रेगुलर यूज करोगे देन आपको उसका बिल्कुल अच्छा वाला इफेक्ट मिलेगा एंड ये वाले फेस स्क्रब में आलमंड स्वीट ऑयल एंड मोरक्कन ऑयल मिक्स किया हुआ एंड मोरक्कन ऑयल आप जानते हो कितना ज्यादा हमारे स्किन को ग्लोई शाइनी एंड इवन हेयर को भी ग्लोई शाइनी और बोलते ना कि थोड़ा सा मैनेजेबल करने के लिए मीन्स आपके स्किन को भी स्किन टोन को भी मैनेजेबल करने में शाइनेस प्रोवाइड करने में काफी हेल्पफुल होती है तो ये विथ विटामिन एंड ई e के साथ होता है ये सारे जो ऑयल है एंड विटामिन ई की समाइम आप लोग देखेंगे कि हम वैसे भी फेस पे अप्लाई करते हैं नाइट मास्क में या फिर डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए या पैक बनाते हैं तो विटामिन तो ई e काफी ही यूजफुल होता है हमारे हेयर के लिए फेस के लिए एंड वाकई हमारे हैंड पे जो बोलते ना कि धीरे धीरे हमारे सन के एक्सपोजर में आके जो डलनेस ड्राइनेस फाइन लाइन्स वगैरह हो जाती है तो विटामिन ई e जो है वो काफी हेल्पफुल होता है उसको धीरे धीरे करके रिपेयर और रिमूव करने में एंड इन सब में जो नेचुरल एक्टिव्स पाए जाते हैं वो हमारे स्किन के जो बोलते हैं ना डेड स्किन लेयर है उसको रिमूव करने में काफी कारगर होते हैं एंड ये स्क्रब है ना जो आपको मीन्स क्लीनिंग के साथ साथ एक बोलते हैं ना कि सॉफ्टनेस नेचुरली प्रोवाइड करता है साथ साथ में स्क्रब करने के बाद ये आपके स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़ता है मॉइस्चर रहता है तो चलिए अब ये वाली स्क्रब को मैं आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके शो करती हूँ एंड आफ्टर दैट आप लोग को रिजल्ट दिख जाएगा कि ये कैसा है एंड इसको कैसे यूज करना है फेस पे एंड बॉडी पे वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी चलिए इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ देख सकते हो मैंने मेकअप क्लीन कर लिया एंड मेरा फेस अभी थोड़ा सा डल लग रहा है ना गाइस तो चलिए इसको अप्लाई करने के बाद अब आप लोग रिजल्ट देखिएगा कि कैसा आता है इसको मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप अप्लाई करूंगी ऑल ओवर अपने फेस पे नेक पे एंड फेस पे आपको इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है मैं स्पेशली नोज पे करूंगी सो so दैट वहां पे थोड़ा ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए मेरा एंड इसको आप बिल्कुल बोलते हैं ना क्वाइन साइज लेके अपने फेस पे डॉट डॉट करके जैसे मैंने अप्लाई किया वैसे अप्लाई कर ले एंड ये स्क्रब बहुत स्मूथ है बहुत इसके जो पार्टिकल्स है ना हार्श नहीं है एंड ये आपके स्किन को उतना डैमेज भी नहीं करेगा आपके फेस के स्किन को एंड इसको आपको जेंटली सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे आपको इसको रब करना है एंड वन टू मिनट के लिए आप इसको करें सो so देट ये बोलते हैं ना जो भी आपके डेड सेल्स वगैरह हो डेड स्किन वगैरह हो उसको वो एक्सफोलिएट कर दे एंड उसके बाद आपको इसको क्या करना है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना जो भी आपके देखिए फोरहेड होते हैं चिन होते हैं नोज वाले एरिया होते हैं जहां पे थोड़े से ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते हैं ज्यादा उस एरिया पे बिल्कुल सॉफ्टली मसाज करें एंड जैसा कि ये एक बॉडी और फेस स्क्रब है तो मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करूंगी आप ऑल ओवर बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही आप जेनरस अमाउंट लें एंड आप अपने बॉडी हैंड जहां पे भी आप आपको अप्लाई करना है करें एंड जो भी थोड़ा बोलते हैं ना आपके नीज हो एल्बो हो उस जगह पर आप थोड़ा अच्छे से करें एंड इसको आप ऐसे ही विदाउट कोई बोलते ना ज्यादा प्रेशर लगाए मीडियम प्रेशर के हेल्प से आप इसको अपने बॉडी पे करें अप्लाई ऐसे करके एंड उसके बाद आप इसको दो सेकेंड ऐसे ही एक दो मिनट जैसा होता है ना आप इसको अप्लाई करिए एंड उसके बाद आप इसको लूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिएगा तो चलिए मैं अब इसको वॉश करके आती हूँ लूकवाम वाटर से हेल्प ऑफ टावल मैं आप पैड ड्राई कर लूंगी एंड यू कैन सी द रिजल्ट गाइज वाकई में ये बिल्कुल से जब भी मैं अभी मेकअप रिमूव करके आई थी तो मेरी फेस कितनी ड्राई लग रही थी और बिल्कुल से बोलते ना डेड स्किन वगैरह थी तो कितनी डल लग रही थी बेसिकली एंड वाकई थकान भी दिख रहा था मेरे फेस पे एंड वाकई अभी मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है एंड जो डेड लेयर वगैरह थे वे रिमूव हो गए मेरे हैंड के भी फेस के भी एंड काफी अच्छा ग्लोनेस मुझे लग रहा है एंड ये साथ साथ में बोलते ना एक सॉफ्टनेस मुझे बहुत सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन एंड साथ में ये मॉइस्चराइज़ भी लग रहा है ड्राई बिल्कुल नहीं लग रहा है तो काफी अच्छा है ये तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा था फेस एंड हैंड दोनों पे आप लोगों को दिखा होगा बिल्कुल से तो मेरे को ये वाला स्क्रब स्पेशली स्क्रब का यूज जो है इसने पूरा पूरा स्क्रब का जो वर्क होता है ना वो पूरा किया है मोस्ट प्रोबब्ली स्क्रब से आपको क्या चाहिए उसका जो काम है जिस मोटिव के लिए है वो वो उसका फुलफिल होना चाहिए तो ये वाले स्क्रब में वो चीजें हैं एंड आई होप आप लोग को ये स्क्रब पसंद आया होगा एंड मुझे भी पसंद आया है तो ये था आज का वीडियो आई होप आप लोग को वीडियो भी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सोटेल दैन बाय फ्रेंड्स